वो आई। हाय गाइस, तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट को लेके। बिकॉज आप में से शायद सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो रिसर्च के हिसाब से अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 से 2% का रिटर्न मिलता है एनुअली, और अगर आप दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 से 7% का एनुअल रिटर्न आपको मिलता है। इसलिए इस टाइम पर पूरी दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप इन प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हैं, कैसे आप उन प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करेंगे, क्या तरीके हैं उन्हें सर्च करने के, उसके बाद में कैसे आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं, कैसे आप उनको परचेज करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, और कैसे उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना है और आपको कैसे उस प्रॉपर्टी को फर्निश करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो कि है लोकेशन। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें दुबई में रेंटल इनकम के लिए, तो वो कौन सी बेस्ट लोकेशन है दुबई में जहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हाई रेंटल इनकम वाले एरियाज के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखें कि उन्हीं एरियाज़ को चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं और आगे फ्यूचर में भी उनकी डिमांड पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इन्हीं एरियाज़ की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर एरिया है डाउनटाउन, जो कि दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया है, जहाँ पर कि आपको सिटी वॉक मिलेगा। दुबई मॉल है, बुर्ज खलीफा है, लामेर बीच है, काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। ये सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं और ये एरिया फुल्ली डेवलप्ड है। वहाँ पर बहुत अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, तो बहुत ही अच्छा और हैपनिंग एरिया है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड रहता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रेंटल मिलता है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दुबई मरीना, जो कि हमने जिसके ऊपर काफ़ी सारी अपनी वीडियोज़ में भी बताया। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग एरिया है और वहाँ पर मोस्टली गोरे रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे उसके आसपास में ऑफिसेज़ हैं। टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वीकेंड्स पे यहाँ पर रेजिडेंट्स जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत अच्छे कैफ़े रेस्टोरेंट हैं, उसकी वाइब बहुत अच्छी है। वहाँ पर दुबई का फेमस ट्विस्टेड टावर लोकेटेड है और बहुत ही अच्छी यूनिक बिल्डिंग्स हैं और बहुत हाई एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो वो एरिया भी हमेशा बहुत हाई डिमांड में रहता है। इसी तरह है बिजनेस बे एरिया और पाम जुमेरा, जहाँ पर कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं फॉर हाई रेंटल। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप देखें कि कौन से मार्केट ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, और क्या रेंटल यील्ड्स हैं उस एरियाज़ के, और क्या फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स हैं उस एरियाज़ में। तो इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइज़, अब आपने अपनी रिसर्च के हिसाब से अपना एरिया, अपनी लोकेशन फाइनलाइज कर ली है, तो अब आप उस एरिया में अपनी राइट प्रॉपर्टी कैसे ढूंढ सकते हैं, चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के ज़माने में प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। यहाँ पर दुबई में आपके पास में कुछ वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, जैसे कि बेयूत, प्रॉपर्टी फाइंडर और डुबिज़ल। तो इन प्रॉपर्टी की साइट्स पर आप जाएँ और यहाँ पर अपनी लोकेशन, अपना जो भी आपका क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, जो भी आपका बजट रेंज है, आपको स्टूडियो चाहिए, 1 बेडरूम 3 बेडरूम, उसके हिसाब से अपने फ़िल्टर्स डालिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उन प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि उस प्रॉपर्टी की क्या डिटेल्स, उस प्रॉपर्टी को किस रियल एस्टेट एजेंट ने लिस्ट किया है। फिर आप उनको कॉन्टैक्ट करें और आप जाके उसको व्यू करें, देखें उस प्रॉपर्टी को फिजिकली, समझें कि क्या चल रहा है प्रॉपर्टी में, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स से बात करें, ताकि आपको जानकारी मिलेगी कि प्रॉपर्टी की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं। और काफ़ी सारे टाइम्स पर जो एजेंट्स होते हैं उनके पास में ऑफ मार्केट लिस्टिंग्स भी होती हैं, तो वो आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपको जानकारी भी मिलेगी इन एस्टेट एजेंट से। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टी एग्जिबिशंस भी होते हैं, तो आप न्यूज़ से कनेक्ट रहें या फिर जो एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, उनसे कनेक्ट में रहेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे कुछ एग्जिबिशंस होने वाले हैं। तो आप उन एग्जिबिशंस में जाकर भी प्रॉपर्टी मार्केट से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है वहाँ पर भी। तो अब आप हमारे बताए गए तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर चुके हैं, बट अब आप इसको फाइनेंस कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कैश। अगर आपके पास में कैश है तो आप डायरेक्ट जाके प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, और कैश होने का सबसे एडवांटेज ये है कि आपके पास में नेगोशिएशन पावर होगा। आप अपनी चाहे तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम भी करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो कम करवा सकते हैं अगर आपके पास में कैश है। और इसके अलावा आपके पास में कैश है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा मॉर्गेज में, तो आप इंटरेस्ट का कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं। और दूसरा सबसे कॉमन तरीका है मॉर्गेज, जो कि है होम लोन। आपके पास में कैश नहीं तो आप ऑब्वियसली बैंक से लोन लेंगे, और अगर आप रेजिडेंट हैं, आप यहाँ पे रहते हैं दुबई में, तो आपको 80% तक बैंक से लोन मिल जाएगा। आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप जैसे इंडिया में रहते हैं और आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लेनी ख़रीदनी है और इन्वेस्ट करना है, बट आपको मॉर्गेज भी लेना है, तो उस केस में आपको बैंक से 50% तक का मॉर्गेज मिल सकता है। और तीसरा तरीका है डेवलपर फाइनेंसिंग। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो डेवलपर्स हैं वो आपको 7 इयर्स 8 इयर्स 10 इयर्स की फाइनेंसिंग देते हैं, जिसके मतलब ये है कि आपको जो भी आपका पूरा अमाउंट है वो 7 इयर्स में रीपे करना है। और ये ऑप्शन उन केसेस में है जहाँ पर आपका जो घर है वो बन रहा है। अगर बनाया बनाया घर है तो उस केस में आपको ऑब्वियसली मॉर्गेज लेना पड़ेगा या फिर कैश में लेना पड़ेगा। तो ये तरीका आप तभी आप कर सकते हैं उस केस में जब आपके पास में काफ़ी कुछ अच्छा अमाउंट में कैश है और आप उसको मंथली या सेकेंड मंथ में, हर 2 महीने में, 3 महीने में एक बड़ा रकम दे सकते हैं। और जब उसकी डिलीवरी कुछ टाइम बाद है और आपके पास काफ़ी साल हैं उसको रीपे करने के लिए। एक प्रो टिप यहाँ पर यह है कि अगर आप दुबई रेजिडेंट है, यूएई रेजिडेंट है और आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आप किसी बैंक से अपने लोन के लिए प्री अप्रूवल ले लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी सेलर है, जो भी डेवलपर है जिससे आप घर ले रहे हैं, आप उसको बोलेंगे कि हाँ मेरे पास में किसी बैंक का प्री अप्रूवल है, तो उसका आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि हाँ आप उसकी प्रॉपर्टी आसानी से ले लेंगे और कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो लोग आपकी तरह और भी लोग जो उस सेलर से बात कर रहे होंगे, उनके पास में अगर प्री अप्रूवल नहीं होगा तो उनके चांसेस कम होंगे वो घर ख़रीदने के लिए। उस केस में आपके पास में ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो अब आपने अपनी फाइनेंसिंग सिक्योर कर ली है, तो अब आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप है ऑफ़र एंड नेगोशिएशन। तो आप अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ में जाएंगे और अपने डेवलपर या फिर सेलर को आप अपना ऑफ़र देंगे कि हाँ ये प्राइस है जिसमें मैं मानता हूँ कि आप अपना घर मुझे दें, और उससे आप अच्छे से नेगोशिएट करें अपने सारे पेमेंट टर्म्स, क्या कुछ अगर एडिशनल कंडीशन है वो भी आप उसके सामने रख सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप है सेल्स अग्रीमेंट बनाने का। आज सारे जो भी आपके नेगोशिएशन टर्म्स हैं वो आपने अग्री कर लिए हैं, तो उसको आप पेपर पर लिखते हैं और उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें सारे चीज़ें लिखी हैं और आप दोनों साइन करते हैं। और चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को आप किसी लीगल पर्सन को दिखाएं, अपनी लीगल एडवाइस लें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स में आप ना पड़ें। और तीसरा और आखिरी स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो जिस भी दिन आपने तय किया है कि आप वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करेंगे, उस दिन आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अथॉरिटीज़ के सामने आप अपना जो चेक है अमाउंट का वो उस सेलर को देंगे और सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो करेंगे, साइन करेंगे। फिर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का, और वो दिन होगा जिस दिन आपके पास में लीगली उस घर का डॉक्यूमेंट आएगा और आप बन जाएंगे मालिक एक नए घर के। तो कंग्रेचुलेशन गाइज, अब आप दुबई में अपना खुद का एक घर ले चुके हैं। एंड नाउ यू हैव बिकम अ प्रॉपर्टी ओनर इन दुबई। तो चलिए अब जानते हैं कि अब आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उस घर को रेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अब रेंट पे घर चढ़ाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। अगर तो आपने एकदम ब्रांड न्यू अपार्टमेंट लिया है, बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव है, ट्रेंडी है, उसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ, तो आप लेने के बाद उसको एज इट इज़ रेंट पर चढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी पुरानी बिल्डिंग में कोई पुराना अपार्टमेंट लिया है जो कि आपको लगता है कि दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं है और उसका जितना भी इंटीरियर है और फर्निशिंग है वो काफ़ी आउटडेटेड है, तो आप उसकी बेसिक रेनोवेशन करवा सकते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे और जल्दी से ईजीली रेंट पे चढ़ जाए। और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको फुल्ली फर्निश करा के भी उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप अपने घर को रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं और उसको फुल्ली फर्निश करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हैसल के, तो एक कंपनी है जो ये सारा काम यहाँ पे दुबई में करती है। इसका नाम है मूव इन दुबई। ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो लोग आपको कुछ पैकेजेस देंगे जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि कौन से फर्नीचर्स आपके घर के लिए अच्छे हैं, कौन से किचन अप्लायंसेस, कौन से किचन एक्सेसरीज़, सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं उस पैकेज में। उसके हिसाब से बिना किसी मेहनत के आप अपने अपार्टमेंट को, अपने विला को फुल्ली फर्निश्ड कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं या कहीं पर भी हैं, आपको यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ उनके सर्विसेज लें और आपके घर में वो सारा फर्निशिंग करके चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर भी हैं और तभी भी आपको उनके सर्विसेज लेने हैं, उस केस में भी आपको कोई हासिल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत वो लोग करेंगे, आपको सिर्फ उनका पैकेज लेना है और सारी सर्विसेज वो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आप अपने प्रॉपर्टी की अच्छी खासी फ़ोटोज़ निकालें, हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालें और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रॉपर्टी फाइंडर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बेयूत, प्रॉपर्टी फाइंडर और डुबिज़ल पे डालें, एडवर्टाइज़ करें, ताकि जो भी लोग रेंट के लिए घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनकी नज़र में आपका घर आए। उसमें आप अपने ऐड में डालें कि क्या यूनिक फीचर्स हैं आपके घर के, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको अच्छे से लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन डालिए कि आपका घर मेट्रो या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कितना पास में है, क्या फैसिलिटीज़ हैं आसपास, बिल्डिंग में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं या क्या अमेनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, जिम एक्सेट्रा, ताकि जो भी घर ढूंढ रहा है उसको आसानी से उसके बारे में पता चला है और फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करे और आपका घर रेंट पे चढ़ जाए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी रेंटल प्रॉपर्टी कंपनी को भी आप ये काम सौंप सकते हैं, जिसके लिए वो भी जो भी एजेंट्स हैं उनको पास फ़ोन जाएगा, वो सारे सब कुछ मैनेज करेंगे और आपका जो घर है वो रेंट पे चढ़ा देंगे। उसके लिए थोड़ी बहुत वो फ़ीस लेते हैं, चार्ज करते हैं, वन टाइम फीस, और उसके हिसाब से आपका घर आसानी से और जल्दी चढ़ जाएगा। अगर गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ नई जानकारी तो ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सारे दोस्त जो कि अपार्टमेंट या फिर विला या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दुबई में, उन्हें काफ़ी कुछ मदद हो सके उन सब की। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके, और ताकि हम आपके लिए इस तरह के बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशनल एंड एंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय। वो 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 आई 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 आई।